साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान असमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी ने जापान के पीएम फूमियो किशिदा को गिफ्ट में दी बुद्ध की प्रतिमा। कर्नाटक के चंदन से बनी है मूर्ति। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले पर हुई कार्रवाई। पंजाब सीएम के पूर्व डीजीपी चट्टोपाध्याय समेत 3 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की दी मंजूरी। जापान के पीएम के साथ मोदी ने लस्सी बनाई। किशिदा के साथ दिल्ली में गोलगप्पे भी खाए। मोदी को G7 समिट का न्योता दिया। राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार पर कसा तंज। बोले, कर्नाटक में 40% कमीशन वाली सरकार, ये देश किसी एक का नहीं है। टीएमसी का कांग्रेस पर हमला। कहा, राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में 2 बार भाजपा का मुकाबला करने में असफल रहे। अधीर रंजन चौधरी का ममता पर वार। कहा, ममता दीदी का सबसे बड़ा मकसद पीएम मोदी को खुश करना है। सुशांत किशोर का बड़ा बयान। बोले, 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता कभी काम नहीं करेगी क्योंकि यह अस्थिर और अलग है। खड़गे का पीएम मोदी पर पलटवार। कहा, मेरा रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है लेकिन नड्डा का रिमोट कंट्रोल कहां है। प्रशांत किशोर के निशाने पर महागठबंधन। कहा, आरजेडी के साथ नीतीश सत्ता में आए तो दिखने लगा जंगल राज। एलजी के फैसलों पर जमकर बरसे उमर अब्दुल्ला। कहा, क्या आपको पिता के अपराध के लिए दंडित करना ठीक है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा झटका। एमएलसी बाबूराव चिंजसूर ने दिया इस्तीफा। दिल्ली विधानसभा में कल बजट पेश नहीं होगा। सीएम केजरीवाल का दावा, केंद्र ने रोक लगाई। अंबाला के किसान नेता नवदीप जलबेड़ा पटियाला में गिरफ्तार। अमृतपाल सिंह के समर्थन में आए थे। पंजाब पुलिस का दावा, सिख देश बनाना चाहता है अमृतपाल सिंह। 33 बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी थी। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। कुफरी नारकंडा में बिछी सफेद चादर। तापमान में भारी गिरावट। बेमौसम बारिश से प्रदेश में किसानों को भारी नुकसान। सीएम योगी ने दिया तत्काल राहत देने का निर्देश। मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी को राहत। जिला न्यायालय से मारपीट मामले में दोषी करार दिए। नंदगोपाल गुप्ता नंदी को हाईकोर्ट से मिली जमानत। महामंदिर ट्रस्ट राम सचिव चंपत राय ने दी राम जन्मोत्सव की जानकारी। कहा, भव्य रूप देने के लिए समिति गठित, पूरी तैयारी कर ली गई। कानपुर में करौली सरकार। बाबा पर FIR दर्ज। डॉक्टर ने कहा, मैंने चमत्कार होने से इनकार किया तो गुंडों से कमरे में बंद कर पिटवाया।
याकूब पर शिकंजा, रुतबा होगा कम, मर्सिडीज समेत 32 लग्जरी गाड़ियां और जमीन, हॉस्पिटल और स्कूल होंगे जब्त। एक्शन में स्वास्थ्य विभाग डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए निर्देश, प्रदेश में अस्पतालों में बढ़ाए जाएंगे 26,346 बेड। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को दिए निर्देश, 20-20 गांवों को आदर्श गांव बनाने की तैयारी। गोरखपुर में किन्नरों का दूसरे दिन भी हंगामा, सड़क जाम कर किया प्रदर्शन, साथी किन्नर को गोली मारने से नाराज है किन्नर। मथुरा में लव मैरिज के 24 दिन बाद युवक ने किया सुसाइड, फांसी लगाने से पहले वीडियो बनाया। सीसीटीवी का तार कटने पर 10 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, एक कैमरे में दिखा संदिग्ध, गिरफ्तारी के लिए लगाई गई 5 टीम। बागपत में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। एनकाउंटर के डर से अशरफ के गुर्गे, लल्ला गद्दी का सरेंडर, बरेली जेल में बंद अशरफ से मिलवाए थे शूटर, कोर्ट में लगाई थी सरेंडर की अर्जी। बहराइच में 2 महिलाओं को बाघ ने बनाया निवाला, करनिया घाट के जंगल से सटे नेपाल क्षेत्र की घटना, जंगल के किनारे चरा रही थी मवेशी। कानपुर प्रयागराज जाना जाना होगा महंगा, 50% से अधिक तक बढ़ सकता है टोल टैक्स, 1 अप्रैल से होगा लागू। वकील को धमकी देने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज, फेसबुक पर हथियारों के साथ की थी फोटो अपलोड, सोशल मीडिया पर दी थी धमकी। झांसी में प्यार में धोखा खाई छात्रा की मौत, 2 साल से अफेयर था, प्रेमी के शादी से मना करने पर जहर खा लिया था। बिजनौर में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, महिला को उतारा था मौत के घाट, ड्रोन से की जा रही तलाश। मिर्जापुर के कुनबियार मार जंगल में जिंदा जला युवक, खाना बनाने को लकड़ी बीनने गया था, हाईटेंशन तार की चपेट में आया। नोएडा के स्पेक्ट्रम मॉल के चक्रव्यूह बार में छापा, शराब और बियर की बोतल बरामद, 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में टैंकर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मां की गोद से छिटक, सड़क पर गिरा मासूम, मौत, 3 घायल। बरेली में भारी बारिश से फसलों को भारी नुकसान, मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। देवरिया में चोरी हुए ट्रक का मामला, एसओजी ने 2 संदिग्धों को उठाया, रेलवे स्टेशन माल गोदाम परिसर पर हुई थी चोरी। अंबेडकर नगर में गेहूं खरीद के प्रशासन ने शुरू की तैयारी, 1 अप्रैल से होगी खरीद, खरीद के लिए बनाए गए 55 क्रय केंद्र। देवरिया में घर से निकले युवक का मिला शव, पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी, शरीर पर कोई जख्म के निशान नहीं। शौचालय की सफाई टंकी में 108 पेटी शराब धराया, देवरिया से बिहार भेजी जा रही थी शराब, नोनापार गांव के पास की घटना।
इटावा में बाइक सवार लुटेरों ने दंपत्ति को लूटा। पुलिस लुटेरों के तलाश में जुटी, तमंचे के बल पर घटना को दिया गया अंजाम। मुजफ्फरनगर में चार घरों से 25 लाख की चोरी। खतौली के गांव छछरपुर में वारदात से दहशत में लोग, बदमाशों को दो घरों में नहीं मिली कामयाबी। कौशाम्बी में छप्पर में आग से झुलसी युवती, तेज हवा से जल रहे दिए से घर में लगी आग। राजस्व टीम ने आर्थिक मदद का दिया आश्वासन। रामपुर में दो पक्षों में जमकर मारपीट, तीन दिन से आपस में चल रहा था विवाद, महिलाओं और युवतियों को भी पीटा। जालौन में यमुना नदी में उतराता मिला युवक का शव, मछुआरों की मदद से निकाला बाहर, 17 मार्च से चल रहा था गायब। उत्तराखंड के सीएम धामी ने दी विश्व वानिकी दिवस की शुभकामनाएं, कहा भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वनों का संरक्षण अति आवश्यक है। उत्तराखंड के देहरादून में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, मुख्यमंत्री धामी ने किया शुभारंभ। उत्तराखंड में धामी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश की आबकारी नीति मंजूर, 1 अप्रैल से सस्ती होगी शराब। पेपर लीक मामले में नकल माफिया हाकम सिंह की करोड़ों की संपत्ति, कुर्क तहसीलदार रिसीवर नियुक्त। उत्तराखंड के रामनगर में होगी G20 की पहली बैठक, सीएम धामी ने कहा यह बैठक हमारे राज्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। कूड़ा निस्तारण पर उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त, कहा उल्लंघन करने वालों पर लगाए जुर्माना, हर महीने करें निरीक्षण। चारधाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री में प्लास्टिक रेन कोट पर बैन, क्यूआर कोड लगाकर ही बेच सकेंगे प्लास्टिक की बोतलें। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में पिछले 3 दिनों से बर्फबारी, टूटा हिमखंड, पैदल मार्ग अवरुद्ध। अमृतपाल सिंह को लेकर उत्तराखंड पुलिस पे अलर्ट, उधम सिंह नगर से लेकर देहरादून तक की जा रही निगरानी। उत्तराखंड में पटवारी पेपर लीक मामले में फरार 50,000 का इनामी गिरफ्तार, अभ्यर्थियों को रटवाया था प्रश्न पत्र। उत्तराखंड में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की गिरफ्तारी का अलर्ट, भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड के शक्ति नहर किनारे अवैध निर्माण पर दूसरे दिन भी गर्जा बुलडोजर, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टिहरी बांध झील से भूधसाव का खतरा, जगह जगह धस रही जमीन, दहशत में आए लोग। उत्तराखंड की राजधानी में नशा मुक्ति केंद्र में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के रुद्रपुर में अमृतपाल सिंह के पोस्ट को लाइक और फॉलो करना पड़ा भारी, उत्तराखंड के दो युवकों का चालान नहीं गया जे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का दावा, कहा सुनवाई के दौरान हो सकती है उनकी हत्या, इस्लामाबाद कोर्ट में बिछाया गया था जाल।
उत्तर कोरिया के मुद्दे पर अमेरिका से भिड़ गए चीन और रूस, परमाणु हथियार विकसित को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। टेक्सास के उपनगरीय इलाके अर्लिंगटन में एक हाई स्कूल परिसर में गोलीबारी, एक छात्र की मौत, एक अन्य घायल। पुतिन को लेकर आईसीसी सख्त, आईसीसी ने यूक्रेन में रूसी युद्ध अपराधों को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त धन की मांग की। इंटरनेशनल कोर्ट पर भड़का चीन, कहा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोहरे मानकों से दूर रहे और राष्ट्राध्यक्षों की प्रतिरक्षा का सम्मान करें। फ्रांस में रिटायरमेंट एज बढ़ाने वाला बिल बना कानून, मैक्रों सरकार ने दोनों अविश्वास मत जीते, लोगों का प्रदर्शन जारी। लंदन के बाद यूएस में इंडियन कंसुलेट पर हमला, खालिस्तान के झंडे लगाए, दिल्ली में सिखों का खालिस्तानियों के खिलाफ प्रदर्शन। नेपाल में पीएम प्रचंड ने जीता फ्लोर, 172 वोट मिले सत्तारूढ़ गठबंधन को, विरोध में सिर्फ 89 मत ही पड़े। एप्पल के डिवाइस यूज नहीं करेंगे राष्ट्रपति पुतिन के कर्मचारी, जासूसी की आशंका के चलते रूसी सरकार ने लिया फैसला। मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस रद्द, पीएनबी घोटाले के आरोपी ने इंटरपोल में अपील की थी, सीबीआई ने चुप्पी साधी। लॉन्च हुआ नेक्स्ट जनरेशन ह्युंडई वर्ना, 20 इंच के डुअल स्क्रीन सेटअप और सनरूफ के साथ मिलेंगे एडीएस जैसे सेफ्टी फीचर। बानवे साल की उम्र में रूपर्ट मडवेक करेंगे पांचवी शादी, लेस्ली स्मिथ ने इस शादी से साथ शादी कर सकती है मडोक की पिछली पतियों से 6 बच्चे। अमेजॉन में फिर होगी छटनी, कॉमर्स कंपनी सेकेंड राउंड की छटनी में 9000 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकालेगी। जासूसी की आशंका के चलते रूसी सरकार का बड़ा फैसला, एप्पल के डिवाइस यूज नहीं करेंगे राष्ट्रपति पुतिन के कर्मचारी। आईएमएफ श्रीलंका को दी बड़ी राहत, आईएमएफ ने $7 अरब तक के आर्थिक पैकेज को दी मंजूरी। मुद्रा पीवीसी प्रोजेक्ट को लेकर अडानी समूह ने दिया बड़ा बयान, कहा समय सीमा के भीतर पूरा होगा काम। यूबीएस से डील के बावजूद क्रेडिट स्विस के 62% तक टूटे, यूबीएस पी 16% फिसला। एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के फैसले का सरकार ने किया बचाव, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा ग्राहकों पर नहीं डाला पूरा भार। एनएससी का बड़ा बयान, कहा आवेदन की अवधि के साथ सटीक मापदंड सार्वजनिक डोमेन में रहे हैं और लगातार लागू किए गए हैं। अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयर्स बढ़त, विंडफॉल टैक्स में ₹900 प्रति टन की कमी। विजन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 11 टीम जारी, भारत ने जडेजा, पंत और बुमराह को जगह दी। राहुल द्रविड़ बचाव में उतरे, रवि शास्त्री कहा इसमें समय लगता है, मुझे भी समय लगा, राहुल द्रविड़ को भी समय लगने वाला है।
ब्रेटली ने उमरान मलिक पर दिया बड़ा बयान, कहा मैं होता तो उमरान को आखिरी वनडे मैच में जरूर शामिल करने का फैसला करता। शाहिद अफरीदी के एशिया ने वर्ल्ड जायंट्स को फाइनल में दी मात, तिलक रत्न ने दिलशान और उपुल थरंगा ने बनाया एक तरफा मैच। गौतम गंभीर ने केएल राहुल के आलोचकों पर साधा निशाना, कहा जहां तक बात है तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरह के दबाव में होंगे। ला लीगा 2023 में 253वें एल क्लासिको में बार्सिलोना की 100वीं जीत, रियल मैड्रिड को 2-1 से हराया। दो महीने तुर्की में अभ्यास करेंगे नीरज चोपड़ा, 61 दिवसीय इस अभ्यास की टॉप्स करेंगे फंडिंग, ग्लोरिया स्पोर्ट्स एरेना में बहाएंगे पसीना। शाहिद अफरीदी ने भारत के प्रधानमंत्री को कहा जालिम, नाम लिए बगैर बोले जहां जालिम होगा उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। विमेंस प्रीमियर लीग में रोमांचक हुई प्लेऑफ की रेस, दिल्ली ने 9 ओवर में चेंज किया 110 का टारगेट, पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंचे। यूपी डब्ल्यूपीएल प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम गुजरात को 3 विकेट से हराया, ग्रेस हैरिस ने 62 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। सुरक्षा मिलने से खुश नहीं है सलमान, करीबी दोस्त ने बताया लॉरेंस की धमकियों के बाद भी वो नॉर्मल है। ओटीटी को लेकर सख्त, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा क्रिएटिविटी के नाम पर गालियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लू अर्जुन के फैंस को मिलने वाला है सरप्राइज, 8 अप्रैल को रिलीज होगी पुष्पा 2 का टीजर। कोरोना की शिकार हुई किरण खेर, किरण खेर ने ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। रिलीज से पहले ही अजय देवगन की भोला मचा रही धमाल, फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 7 लाख से ज्यादा कर ली कमाई। शांतनु महेश्वरी करेंगे ओटीटी डेब्यू, वैम्पायर और इंसान की केमिस्ट्री पर बेस्ड है इनकी सीरीज, 20 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। सलमान खान के घर के बाहर पुलिस चौकी, 2 इंस्पेक्टर और 8 से 10 कांस्टेबल तैनात, गोल्डी लॉरेंस से धमकी मिलने के बाद सिक्योरिटी बढ़ाई गई। जी रहे थे हम गाने का टीजर रिलीज हुआ है, किसी का भाई किसी की जान के गाने को सलमान खान ने दिया आवाज। एक्टर दीपक तिजोरी के साथ करोड़ों की ठगी, फिल्म मेकिंग के लिए प्रोड्यूसर को दिए थे 2.6 करोड़, अब वापस लौटाने में कर रहा आनाकानी। एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई सुहाना खान, सिंपल लुक में आई नजर, वीडियो देख फैंस बोले ये दीपिका पादुकोण लगने लगी हैं। देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, और आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।